इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग और सिर्फ इंजीनियरिंग। तो आजकल सब लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं और हर एक इंजीनियर जो बनना चाहता है उसका सपना होता है आईआईटी से इंजीनियरिंग करना। तो आईआईटी में आने के लिए एक एग्ज़ाम लगता है, जेई मेंस और जेई एडवांस। तो सब लोग को, आप सबको पता होगा वैसे, तो जेई मेंस और जेई एडवांस, पहले जेई मेंस क्वालिफाई करना होता है, फिर जेई एडवांस, फिर काउंसलिंग के बाद हम लोग को मिलता है हमारे रैंक के हिसाब से आईआईटी। तो ये जो एग्ज़ाम है इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, कब से करनी है, मोस्टली लोग 11 से करते हैं, और क्या क्या चीज़ें, बातें हम लोग को स्टार्ट करते समय याद रखनी चाहिए, तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि ये जो जेई की जर्नी है, ये जो आपकी पूरी प्रिपरेशन होने वाली है आपकी 2 साल की, तो किन बातों को आपको याद रखना है जिससे आपसे वो गलतियाँ ना हो जो मैक्सिमम लोग करते हैं। तो स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। मैं हूँ धीरज मौर्या, ऑल द गो फ्रॉम IIT रुड़की सेकेंड ईयर, और आज की वीडियो में हम बताएंगे आपको कुछ ऐसी गलतियाँ जो हर एक, मतलब मोस्टली लोग JS फ्रेंड्स, मैंने भी करी थी, कुछ गलतियाँ करी थी और आपको नहीं दोहरानी है, और क्या क्या बातें आपको याद रखनी है अपने दिमाग में इन 2 साल की जर्नी में। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो हर साल JEE में बैठ रहे हैं 10 से 12 लाख बच्चे और करीब सीट हैं 17,200, 400, 500 के आसपास, क्योंकि कुछ मोस्टली जो गलतियां हैं जो इंसान कर देता है, मतलब देखो आपका डरना नहीं है, मतलब ये नहीं है कि अगर 10 लाख बच्चे बैठ रहे, 12 लाख बच्चे बैठ रहे तो डर जाओ, क्योंकि यार देखो तो बैठता हर कोई है, लेकिन तुम्हारा जो कंपटीशन है वो सिर्फ 2 या 3 लाख से है, ठीक है? तो डरना नहीं है पहली बात तो, ठीक है? अब चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग आपको अपनी जर्नी है, जैसे आप 11th में आए हो अभी, तो कैसे स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहली चीज़ कि आपको एक अच्छी सी कोचिंग डिसाइड करना है अपने लिए। ज़रूरी नहीं कि आप ऑनलाइन या ऑफलाइन, कुछ भी कर सकते हो, डजेंट मैटर। ऑफलाइन प्रेफरेबल होता है कि ऑफलाइन करो, क्योंकि वहाँ पे आप अपने कंपटीशन को देखते हो, अपने दोस्त बनाते हो, दोस्तों पे आपका चलता है, कहीं हेल्प भी करते हैं काफ़ी दोस्त, तो और एक प्रॉपर एनवायरनमेंट रहता है कि जिसमें अपन को पता लगता है कि हमारे बगल वाला क्या कर रहा है, तो आप अपनी कॉम्पिटिशन को देखते हो, ठीक है? तो प्रेफरेबल रहता है ऑफलाइन, पर अगर आप थोड़ा अपना बजट नहीं है, आपकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है, तो ऑनलाइन भी कर सकते हो, ठीक है? और कोचिंग में टेस्ट होते हैं रेगुलर, और मतलब और कोचिंग आप कैसे डिसाइड करना है इस बारे में बात करते हैं। तो कोचिंग देखो सबसे पहले चीज़ तो काफ़ी कोचिंग मतलब उतनी अच्छी नहीं रहती हैं, तो कोचिंग को डिसाइड करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है वहाँ के जो बच्चे पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, उनसे पूछो कि इस कोचिंग का जो टीचर है क्या अच्छे हैं नहीं है, क्योंकि टीचर का रोल बहुत ज़रूरी होता है। ये जो टीचर 2 साल आपको पढ़ाने वाले हैं, 2 साल मतलब आपके साथ रहने वाले हैं जर्नी में, तो टीचर्स आर लाइक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वहाँ पे, तुम्हें मोटिवेट करेंगे आगे वही टीचर्स के, तुम्हें आगे क्या करना है, कैसे जर्नी फॉलो करनी है, आगे किस तरह अप्रोच करना है, तुम्हारी गलतियाँ बताएंगे टीचर्स। तो ये कुछ चीज़ें हमेशा याद रखना, ठीक है? तो जो तुम टीचर डिसाइड करोगे ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और दूसरी चीज़ होती है कोचिंग डिसाइड करते हैं तो मटेरियल, तो कौन सी कोचिंग का मटेरियल फॉलो करना है। तो देखो आज जैसे जो भेड़ चाल हो रही है ना आजकल कि 11th में आगे कोटा जाना है और कोटा से ही तैयारी करना है, तो यार देखो मैं ये नहीं कहूँगा कि भेड़ चाल मत चलो, क्योंकि देखो ऑब्वियसली कहना पड़ेगा कोटा में जो बाकी कदर कोचिंग्स है, दे आर लाइक टॉप कोचिंग्स ऑफ इंडिया, लाइक सबसे ज़्यादा सिलेक्शन वहीं से निकल रहे हैं, ठीक है? टॉप रैंकर्स वहीं से निकल रहे हैं, तो नो डाउट अपन लोग उसमें कुछ कह नहीं सकते। बाकी देखो कोटा का थोड़ा ऐसा है माहौल, ऐसा है डिप्रेशन, थोड़ा एनजाइटी वहाँ पे जो एनवायरनमेंट है बहुत ज़्यादा स्टूडेंट बेस्ड, थोड़ा वैसा है कि मतलब बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे सिर्फ तैयारी तैयारी तैयारी, तो आपका कहीं ना कहीं एक पर्सनल डेवलपमेंट थोड़ा सा उतना नहीं होता है। तो आपकी मर्जी है, अगर आप प्रॉपर 2 साल डेडिकेटेड देना चाहते हो और एकदम पूरा तैयारी में देना चाहते हो तो आप कोटा भी जा सकते हो, और अगर आपके शहर में भी कोई अच्छी कोचिंग है तो वाई नॉट यार, वो भी आप कर सकते हो, ठीक है? वो भी आप कंसिडर कर सकते हो, ओके? तो सेकंड चीज़ हो गई मटेरियल, पहली चीज़ हो गई टीचर्स, ठीक है, और कोचिंग इंस्टीट्यूट, और तीसरी चीज़ होती है प्रैक्टिस। तो यार जितनी ज़्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारे 2 साल उतना ज़्यादा तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा और उतने ज़्यादा अच्छे तरीके से तुम अपना JEE में अटेम्प्ट दे पाओगे। देखो यार क्योंकि तुम्हें क्या कितना आता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सीधा फ़र्क पड़ता है कि तुम जो जब एक JEE का एग्ज़ाम दोगे, तुमने अगर क्वेश्चन सही किया तो तुम्हारा पूरा चैप्टर आता है, अगर तुमने क्वेश्चन गलत कर दिया तो भले ही तुम्हें चैप्टर में सब कुछ आता हो, सब कोई मतलब नहीं होगा उसका, ठीक है? तो प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और भाई 2 साल की क्वेश्चन प्रैक्टिस परफेक्ट करना ही है। चैप्टर लगाया, चैप्टर लेक्चर देखा,
क्वेश्चन प्रैक्टिस चालू करी, क्वेश्चन को एकदम प्रैक्टिस को एकदम लास्ट तक लेके गए, एडवांस तक, और बस खत्म, नेक्स्ट चैप्टर पे जंप करो। तो ये कुछ चीजें हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की। और नेक्स्ट पॉइंट है कंसिस्टेंसी। तो यार देखो, कंसिस्टेंसी जो तुम्हारी चीज होती है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरी जर्नी में। तो मैं पूरे 2 साल कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। 2 साल अगर तुम 8 घंटे 10 घंटे कंसिस्टेंटली डेली के देते हो ना यार, तो भाई कोई रोक नहीं सकता तुम्हें IIT में जाने से, समझे। तो कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिस और लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क के बाद जब तुम IIT में आओगे, तो यार वो चीज़ ना तुम्हारी लाइफ में काम आएगी बहुत ज़्यादा। ये तुम जो सीखोगे ना लाइफ में कि कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, परसिवरेंस और ये फोकस करना, तो एक टारगेट को अचीव करना, तो ये कुछ चीज़ें ऐसी रहेगी कि तुम अपनी लाइफ में भी तुम्हें बहुत ज़्यादा काम आने वाली है आगे। जो लोग कहते हैं ना कि भाई IIT कर लो लाइफ चिल है, IIT कर लो तुम एक अच्छे कॉलेज में चलेगा लाइफ चिल है, तो ना यार। देखो सिर्फ IIT में आने से लाइफ चिल नहीं होती है, तुम IIT में आने के बाद जो मेहनत करते हो, उसके बाद जो मेहनत तुम्हारी ज़िंदगी भर काम आएगी ना, वो उसकी वजह से तुम्हारी लाइफ चिल होती है। जो लोग कहते हैं ना IIT कर लो लाइफ चिल है, तो ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई बंदा IIT में आया है, इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करके आया है, बहुत ज़्यादा हर चीज़ वो पूरी JEE जर्नी से बीत चुका है, ठीक है। तो उसे पता है कि हार्ड वर्क कैसे करना है, तो वही हार्ड वर्क जब वो अपनी लाइफ में लगाएगा, तो वो चीज़ उसके उसके उसकी लाइफ सेट करेगी। जो लोग कहते हैं ना कि लाइफ सेट है, तो हाँ यार लाइफ सेट ऐसे होती है कि तुम वो हार्ड वर्क, वही जो JEE वाली जर्नी तुम्हें पूरे ज़िंदगी भर चलानी है, ठीक है। और सेकंड चीज़, और एक चीज़ होती है कि बहुत ज़्यादा लोग देखो इस जर्नी में ना, लाइक JEE इज द मोस्ट टफेस्ट एग्ज़ाम ऑफ इंडिया और वर्ल्ड्स सेकेंड टफेस्ट एग्ज़ाम। तो भाई देखो, हलवा तो नहीं है, ठीक है, जो तुम सोचो कि मेहनत करी 2 साल और हो गया, ऐसा नहीं होने वाला यार। देखो मेहनत बहुत ज़्यादा लग के करनी पड़ेगी भाई, शक्ल उतर जाती है, बहुत ज़्यादा चीज़ें आती हैं, डिप्रेशन भी आता है, स्ट्रेस भी होता है, एनजाइटी भी होती है, बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट भी होता है कि भाई हमारे जो बंदा नहीं पढ़ रहा है उसके ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, हम ज़्यादा पढ़ रहे हैं, दिन भर पढ़ रहे हैं तब भी नंबर नहीं आ रहे हैं। तो ये वाली कुछ चीज़ें हैं, ये जो तुम कुछ चीज़ें सीखोगे तो तुम्हें कभी ये जर्नी में आएंगी और पक्का आएंगी, हर किसी की जर्नी में आती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर कोई कॉन्फिडेंट रहता है हमेशा कि भाई मेरा तो हो ही जाएगा, और ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। तो कुछ ये चीज़ें रहती है जर्नी में और होंगी, सबके साथ होती है, तो तुम्हारे साथ भी होंगी। तो इस चीज़ के लिए रेडी रहना, पर इसका मतलब तुम्हें एक चीज़ याद रखना, यू डोंट हैव टू गिव अप, बस गिव अप नहीं करना, बाकी भाई कोई दिक्कत नहीं है, हर एक चीज़ तुम्हारी अच्छी होने वाली है। बस जितना ज़्यादा तुम हार्डवर्क दोगे, जितना ज़्यादा तुम अपनी तरफ से डेडिकेटेड रहोगे अपने गोल को लेके, भाई उतना ज़्यादा तुम्हारा रिजल्ट अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो देखो यार, मैं तुम्हें पर्सनली बीइंग अ IITian, मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी टिप देता हूँ कि कुछ लोग होते हैं कि कंपटीशन को देखते हुए अपने दोस्तों से कंपैरिजन करते हैं, अपने आपसी में दोस्त जो होते हैं कंपैरिजन करते हैं कि भाई इतना उतना दूसरों का बुरा चाहता है। तो भाई देखो, नहीं होता ऐसा। तुम कंपटीशन छोड़ो, कंपटीशन से कोई मतलब नहीं रखो, तुम देखो बस मार्क्स कितने लाने, तुम्हें कितने मार्क्स पे क्या मिल रहा है, बस इतना देखो और कुछ मत देखो। तो जो तुम्हें तुम्हारे मार्क्स से, तुम्हें बस वो नंबर लाने हैं, बस बात खत्म। अपना नंबर लाओ, रैंक जो मिले उसके हिसाब से तुम्हारा आ जाएगी रैंक, और उस हिसाब से तुम्हें IIT में मिल जाएगा, IIT NIT। और एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि काफ़ी लोग सोचते हैं कि भाई IIT है ही सब कुछ है, IIT ही सब कुछ है। देखो यार, देखो होता भी है कि बहुत से लोग मेहनत करते हैं, उनको उतना रिजल्ट नहीं मिल पाता। तो यार तुम्हें निराश नहीं होना है, तुम जो ये JEE की जर्नी कर रहे हो ना, ये जो JEE की जर्नी तुम्हारी लाइफ टाइम काम आने वाली है, ठीक है। जब JEE की जर्नी जब तुम्हारी आगे काम आएगी भाई, वो बहुत ज़्यादा तुम्हारी लाइफ में रिफ्लेक्ट करेगी। एक यही डिफरेंस होता है एक JEE वाले पर्सन में जो कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर, मैं सिर्फ JEE की बात नहीं कर रहा, और भी जो कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम होते हैं, तो ये जो जर्नी रहेगी वो तुम्हें लाइफ में काफ़ी कुछ चीज़ें सिखाएगी, लाइफ के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें सिखाएगी। तो इस जर्नी को एन्जॉय करो, ये 2 साल तुम्हारे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाले हैं। और भाई देखो, हो सकता है कि तुम शादी में ना जाओ, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस देने पड़ेंगे, ठीक है, घंटों घंटों पढ़ना पड़ेगा, अकेले रहना पड़ेगा, हो सकता है बहुत सारे तुम्हारे दोस्त भी छूट जाएं, जो कि ऑब्वियसली छूटेंगे, तुम्हारे रिलेशनशिप वगैरह भी छूटेंगे। तो यार देखो, छूट रहे हैं तो जाने दो,
जो तुम्हारा है वो कहीं जाने वाला नहीं है, ठीक है, सीधी बात होती है, जो तुम्हारे अपने हैं वो कहीं नहीं जाने वाले, ठीक है, और जो चला गया वो तुम्हारा कभी था ही नहीं। तो सीधी बात है, अपने गोल को लेके ओरिएंटेड रहो। जब तुम आईआईटी में आ जाओगे तो उन्हीं लोगों को तुम पे नाज होगा, तो उन्हें गर्व होगा तुम्हारे ऊपर। तो अगर तुम्हारा कोई दोस्त, कोई मित्र, कोई सखा सखी तुमसे कहती है कि तुम हमें नहीं दे पा रहे हो और तुम मतलब इन्हीं सब जेई वगैरह पड़े हुए हो, बदल गए हो, तो भाई ठीक है, कह देना हाँ भाई बदल गए, अभी के लिए मेरा गोल, मेरे लिए आईआईटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो बस कोई दिक्कत नहीं है, बाकी मैं तुम्हारे साथ हूँ। धीरज मोरा फ्रॉम आईआईटी रुड़की, आई एम डूइंग 365 डेज डेली ब्लॉगिंग चैलेंज फ्रॉम आईआईटी। और फिलहाल भाई मैं काफ़ी हमारे जेई एस्पिरेंट्स के लिए भी स्ट्रेटजी वीडियोस लाते हैं और उनको पर्सनली भी गाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं कोई पैसे वगैरह नहीं लेता भाई किसी मेंटरशिप के, क्योंकि अब आप पूछो क्यों नहीं लेते, कुछ तो लेते होगे ना यार। ना भाई मैं कुछ भी नहीं लेता, कसम से मैं कुछ नहीं लेता, क्योंकि हम भी कभी जेई एस्पिरेंट थे और हमको किसी ने रिप्लाई नहीं करा था। तो ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं आगे आज भी बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो यार मैं भी कभी जेई एस्पिरेंट था। काफ़ी लोगों को मैंने मैसेज किया था कि भाई भैया बता दो, थोड़ा बहुत टिप्स दे दो, क्या कुछ है, तो भाई हमको कोई बताने वाला नहीं था, तो भाई मैं हूं ना तुम्हें बताने के लिए। तो मैं बस मेहनत करनी है, सपोर्ट मैं कर रहा हूं तुम्हें, और तुम मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर ऑल रिलेटेड वीडियोज़। मैं आगे भी वीडियोज़ लाने वाला हूं यार, इट्स माय प्लेज के मैं हर किसी बच्चे को रिप्लाई करूंगा, क्योंकि भाई मुझे नहीं किया था भाई किसी ने रिप्लाई, तो वो चीज़ मैं नहीं करना चाहता हूँ। तो गाइज पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो और फल की चिंता मत करो, जब भगवान ऊपर वाला तुम्हें देगा तो भाई तुम्हें खुद विश्वास नहीं होगा कि भाई ये क्या दे दिया। अपनी तरफ से मेहनत करो, अपनी तरफ से तुम क्या कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो ना, और एक्सक्यूज़ बनाना बंद करो। मैं सीधा कहूँगा एक जो चीज़ होती है, एक्सक्यूज़ लोग बहुत बनाते हैं कि भाई मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, इसलिए मेरा नहीं हो रहा, इसलिए मेरा वो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं। देखो यार एक्सक्यूज़ वो लोग बनाते हैं जो डरते हैं इंसान मतलब सोसाइटी को एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है। तो एक्सक्यूज़ बनाना बंद करो, अपने ऊपर मेहनत करो जो कि तुम्हारी लाइफ में रियलिटी में काम आने वाला है, ठीक है। तुम एक्सक्यूज़ बनाते रहोगे तो वो जो एक्सक्यूज़ बनाओगे ना, वो तुम्हारी लाइफ में भी कहीं ना कहीं वो चीज़ तुम्हारी हमेशा आएगी कि तुम कोई भी कुछ भी हो जाए तुम एक्सक्यूज़ ही बनाते रहोगे। तो भाई स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूज़, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ एंड गेट योर ड्रीम्स, ओके। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि तुम और भी ऐसे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस के नोटिफिकेशन तुम्हारे पास आते रहें। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, बाय 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 बाय, और पढ़ते रहो, ठीक है, समझे, पढ़ते रहो भाई, मचाना है भाई, आईआईटी आना है, और जो जो आईआईटी आएगा मेरे चैनल से तो मैं उसे चापो दूंगा, ओके, मेरी तरफ से चापो, तो गाइस बाय बाय।